नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी धड़ल्ले से जल रही है पराली। मथुरा प्राकृतिक वातावरण को एवं वायु प्रदूषण को शुद्ध करने के उद्देश्य व प्रदेश सरकार की नीतियों के आधार पर NGT और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में जिला प्रशासन और कृषि विभाग दोनों ही पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने में लगे हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके भी सैकड़ों किसान खेतों में ही पराली को जला रहे हैं, जबकि ऐसे मामले 22 सैटेलाइट के जरिए सामने आए हैं, जिन पर कृषि विभाग द्वारा FIR कर कार्रवाई कराई गई है। कटिंग मशीन में लगाए गए SMS के जरिए धान की पराली को नष्ट करने का प्रावधान है और जिसके लिए जगह जगह पर कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा अधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं किसानों को जागरूक करने के लिए और पराली को खेतों में ही नष्ट करने के लिए तमाम योजनाएं बनाई गई है, लेकिन अगली फसल की तैयारियों को लेकर तत्काल को नष्ट करने के लिए सुगम तरीका अपना रहे हैं, जिसमें रात्रि में पराली में आग लगाते हैं ताकि कृषि अधिकारियों से बचा जा सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपकृषि निदेशक डॉक्टर धुरेंद्र सिंह ने बताया, किसानों पर कई तरह से निगरानी रखी जा रही है, लेकिन रात्रि का फायदा उठाकर किसान पराली को जला रहे हैं। हालांकि ऐसे 22 मामले सामने आए हैं जिन्हें सैटेलाइट के जरिए पकड़ा गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें, पराली से होने वाले धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है, जो मनुष्य स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रहा है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां जन्म ले रही है। पेश है मथुरा से अनिरुद्ध शर्मा के साथ मुरली मनोहर सिंह की यह खास रिपोर्ट। सर, पराली को लेकर क्या कहेंगे? पराली को रोकने के लिए काफ़ी कृषि विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पराली बरकरार जल रही है। देखिए, पराली रोकने का अभियान ये भारत सरकार का है। माननीय NGT माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में ये निर्देश है कि पराली न जलाई जाए। उसके लिए विभिन्न स्तर पर जो है कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। जैसे ग्राम स्तर पर हमारे एक प्राविधिक सहायक या ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, चाहे पंचायत के हों या ट्यूबवेल के हों या आपके सिंचाई विभाग के हों या राजस्व के हों या ग्राम्य विकास के हों, सबको उसी तरीके से तैनात किया गया है। उनके ऊपर एक क्लस्टर बनाया गया है जिसमें 5-5, 6-6 गाँव के ऊपर हैं। इसके बाद में फिर ब्लॉक का एक नोडल भी अधिकारी, जो जिला स्तरीय अधिकारी है, उसको नामित किया गया है। सभी SDM और CO इस पर सतत निगरानी रखे हुए हैं। ये कार्यक्रम एक सरकार का कार्यक्रम है और सभी विभागों का इसमें समावेश है। चूँकि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें किसानों के विरुद्ध हमको कठोर कार्यवाही करनी पड़ती है, तो उसमें पुलिस या प्रशासन है, उसके विरुद्ध जो है FIR है या फिर उसमें दंड अधिरोपण की कार्यवाही है, तो ये सभी विभागों का एक समन्वित कार्यक्रम है ताकि पर्यावरण प्रदूषण किसी भी स्तर पर ना फैले, पराली ना जलाए जाए। तो किसानों को पहले से इसके लिए जागरूक नहीं किया गया, क्या वजह है, क्यों जला रहे हैं लोग? देखिए, किसानों को जागरूक किया गया था बहुत ही पहले। हमने कंबाइन हार्वेस्टर के जो हमारे स्वामी थे उनकी बैठक ली थी, तो उनको हमने बाध्य किया था कि आपकी कंबाइन जब ही चलेगी, जब उसमें SMS लगा होगा, तो सभी उन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर के जो स्वामी थे हमारी बात को माना, सब ने SMS लगवा लिया। और जहाँ भी SMS के माध्यम से कटाई हुई है, कंबाइन में SMS लगाकर कटाई हुई है, तो किसी प्रकार की कोई जलाने की घटना वहाँ सामने नहीं आई। अक्सर उन इलाकों में जैसे हमारा नौजील का है, माठ का है, या इधर जो अलीगढ़ से लगते हुए हमारे क्षेत्र हैं राया वगैरह में, तो वहाँ पर कुछ घटनाएँ ऐसी आई हैं कि उन्होंने हाथ से काट लिया, उसको अलग करने के बाद में जो पुआल बचा उसमें कहीं कहीं या तो उनके द्वारा या तो किसी जलनवश किसी और के द्वारा जो है आग लगा दी गई। तो इस तरीके की घटनाएँ आई हैं और अब तक 22 घटना जो हैं सैटेलाइट के माध्यम से आई हैं जो आग जलाने की हैं। और इसमें यह भी देखा गया है कि अधिकतर आग जलाने की घटना ये रात के समय सुबह 1 बजे, 1:55 पर या 1:20 पर या 12:10 पर इस तरीके से हुई है। चूँकि ऐसी स्थिति में किसान ये सोचता है कि सरकारी जो आदमी है वो तो देख नहीं रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सैटेलाइट जो है वो सतत निगरानी कर रही हैं और वो
हर एक उसका जो एक्शन है वो रिकॉर्ड किया जाता है।